ये जो एनआरसी हो रही है और ये 26 जनवरी है आज के दिन, और देश का जो हाल है, इसमें आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? जैसे कि दोस्तों और हमारे माता बहने, आप लोगों को मालूम है कि आज जो है हमारे मुल्क का 71वां योम जमहूरी रिपब्लिक डे हम लोग मना रहे हैं, लेकिन इस हालात में आज हमारे मुल्क का जो हालात है बहुत एक नाजुक दौर से गुजर रहा है। आप देखने का 2014 के बाद से एक हुकूमत जो है कि हिंदुस्तान पे गद्दी पे आई थी, लोगों से ये वादा करके कि अच्छे दिन आएंगे, तमाम हिंदुस्तान के लोगों को नया सपना दिखाया था और कहा था कि हिंदुस्तान जो पीछे की तरफ जा रहा है उसे हम ट्रैक पर लाएंगे और हिंदुस्तान को सारे दुनिया में एक अलग मुकाम देंगे। लेकिन गुज़श्ता दिनों 2019 के इलेक्शन के बाद हमें और आपको सारे हिंदुस्तान के लोगों को ये देखने को मिल रहा है, ये गोया के सारे हिंदुस्तान के लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रही है और लोगों को गुमराह कर रही है, मज़हब के नाम पे, जात के नाम पे लोगों को बांटने का काम कर रही है। और ये आरएसएस जो हिंदुत्व का जो एजेंडा है उसको हिंदुस्तान में थोपने और लागू करने का काम कर रही है। आपने देखा होगा कि इलेक्शन से पहले उन्होंने किस तरह से एक पुलवामा में जो अटैक करवाकर हमारे 44 फौजी भाइयों को मरवा दिया, और जिसका वो इलेक्शन में फ़ायदा उठाते हुए लोगों के जहन को इस तरह से उसमें हावी किया कि लोग देश के नाम पे लोगों को वोट को उन्होंने हाईजैक कर लिया। इसके बाद लगातार एक पे एक वो लोगों को गुमराह करने का काम किया। आपने देखा होगा 3 तलाक का बिल लाया, कश्मीर का 370 आर्टिकल 370 को धारा को ख़त्म करके लोगों को ये साबित करने की कोशिश किया कि हम हिंदुस्तान के बहुत बड़े भक्त हैं और हिंदुस्तान के बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। गोया कि हिंदुस्तान के बेहतरी के तौर पर काम करने के बजाय आज हिंदुस्तान सबसे पीछे की तरफ जा रहा है। हिंदुस्तान का जो GDP है देखिए गिर गया। हिंदुस्तान में बेरोजगारी 50 वर्षों में जो बेरोजगारी नहीं थी, आज हिंदुस्तान में बेरोजगार का नौजवान बेरोजगार है। नोटबंदी के नाम पे, GST के नाम पे करोड़ों करोड़ों हमारे नौजवान बेरोजगार हो गए। बंद नए कल कारखाने नहीं खुले, कल कारखाने बंद पड़े हुए हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर बर्बाद हो गया है। महंगाई का ये आलम है कि लोग आज खाने पीने मर रहे हैं, लोगों को अपना घर का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है। प्याज 150-200 रुपये किलो लोगों को ख़रीदना पड़ा। लोगों के जहन को बांटने के लिए उन्होंने एक पार्लियामेंट में पीले काला कानून लाने का काम किया है, और वो CAB के नाम से जब कानून पार्लियामेंट में आया और बाद में वो राज्यसभा में भी जोर जबरदस्ती पास करवा कर पैसे के बल पर पास करवा कर CAA के नाम से आज सारे हिंदुस्तान में लोग डरे हुए हैं। NRC लाने का बात कर रहे हैं, NRC लाएंगे। आसाम का हालात आपको किसी से छुपा हुआ नहीं है, आपने देखा होगा आसाम में किस तरह से NRC के नाम पर 19 लाख लोगों को बेघर करने का काम किया है। लेकिन जब उनको ये पता चला कि 19 लाख लोगों में 15 लाख मुसलमान हैं, हिंदू हैं और 4 लाख मुसलमान हैं, तो उन्होंने CAA कानून बनाकर लोगों को ये वोट बैंक का राजनीति किया, लोगों को ये भरोसा दिया कि हमारे जो हिंदू भाई हैं, जैन भाई हैं, बुद्ध धर्म के मानने वाले क्रिश्चियन हैं, ये इन लोगों को नागरिकता नहीं जाएगा। ये जो 3 देशों में जो इन लोगों के ऊपर में टॉर्चर किया जाता है, जुल्म तशद्दुद किया जाता है, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, वहाँ से जो लोगों को प्रताड़ित किया जाता है, जिनके ऊपर में जुल्म किया जाता है, वो हिंदुस्तान में आएंगे तो हम हिंदुस्तान में उनको हम नागरिकता देंगे। तो बताओ, हिंदुस्तान में हमारा जो संविधान सबको बराबरी का हकूक देता है आर्टिकल 14 और 24 में कि ऑल इंडियन सिटीजन आर इक्वल, इसको ये वायलेशन करने का काम कर रहे हैं और एक नए कानून में रद्दोबदल करके हिंदुस्तान को बांटने का काम कर रहे हैं। इसके खिलाफ आज हिंदुस्तान पे तमाम लोग, हर मज़हब के लोग सड़कें पे उतर के एतराज कर रहे हैं, क्योंकि ये हिंदुस्तान आने वाले दिन में वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान के संविधान को बदल दे, हमारा जो आज़ादी है वो हमसे छीनना चाहते हैं। इसलिए आज़ादी की लड़ाई दोबारा से हिंदुस्तान के आवाम जो है सड़कों पे उतर के कर रहे हैं। एक आज़ादी की लड़ाई हम लोगों ने लड़ा था जो अंग्रेज़ों के खिलाफ में, और दूसरी आज़ादी की लड़ाई अब हम लोग लड़ेंगे जो कि है इन अंग्रेज के जो दलाल हैं इनके खिलाफ़ में हम लोग लड़ेंगे, और इन्हें ये दिखा देंगे कि हमने जिस तरह से अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से भगाया था, आपको भी हिंदुस्तान के तख्त पर काबिज होने नहीं देंगे, आपको भी हिंदुस्तान के गद्दी से उतार फेंकेंगे, और हिंदुस्तान में जो मजहब के नाम पे आप फूट कर रहे हैं ये फूट
हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम हिंदुस्तानी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई हैं, हम लोग मिलकर रहेंगे आने वाले सदी और सदियों तक। हम लोग मिलकर रहेंगे, हिंदुस्तान को टुकड़े नहीं होने देंगे, हिंदुस्तान के कानून को हम बदलने नहीं देंगे। इसलिए आज सारे हिंदुस्तान के पैमाने पर CAA के खिलाफ में इस्तेदाद जारी है। हम तमाम लोगों से ये अपील कर रहे हैं कि आप लोग मुत्तहद हो जाएं। एक हर जाति हर धर्म के लोग जो जमहूरियत पसंद है, जो हिंदुस्तान के कानून पे भरोसा रखते हैं, वो एकजुट होकर इस काले कानून के खिलाफ में रास्ते पर उतर कर लड़ाई करें। ये लंबी लड़ाई है दोस्तों, इसे हमें रास्ता में रोकना, बीच रास्ते में हम ये अधूरा नहीं छोड़ेंगे। और जब तक ये काला कानून हिंदुस्तान से वापस नहीं लेंगे ये लोग, ये RSS वाले, हम अपने इत्तेहाद और अपनी तहरीक और अपनी लड़ाई को सड़कों पे जारी रखेंगे। आने वाले दिनों में हम तमाम हिंदुस्तान के लोगों से अपील करते हैं कि ये सिर्फ धरना देकर काम नहीं चलेगा, हमें एक पटिशन के जरिए तमाम लोगों का दस्तखत लेना होगा। तमाम लोगों को इस कानून के खिलाफ में एक पटिशन लिखकर लोगों से उसका दस्तखत करवाकर हमें हिंदुस्तान के जो है सदर को, हिंदुस्तान के प्रेसिडेंट को देना होगा और हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को देना होगा और उनसे इंसाफ की गुहार लगानी पड़ेगी ताकि हिंदुस्तान का कानून बचे, हिंदुस्तान के लोग बचे। यही बात हम लोग जो है आप तमाम हिंदुस्तानी से अपील कर रहे हैं। इंकलाब जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद।